हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल पकोड़ा कढ़ी। पकोड़ा कढ़ी के लिए मैंने लिया है ये चार बड़े चम्मच दही। मैंने 3 टेबलस्पून चने का आटा इसमें डाला है छानकर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, दरदरा कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि लम्स ना बने। इसमें मैं अभी छाछ ऐड कर रही हूँ पतला बनाने के लिए। मैं अभी कढ़ी बघार कर रही हूँ, उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो सिर्फ घी में भी आप इसे तड़का दे सकते हो। तड़का देने के लिए इंग्रेडिएंट्स कढ़ी का: जीरा, मेथी, ब्लैक पेपर, करेपाक, ऑनियंस और पोटैटो। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं उसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, मेथी, 2 से 3 ब्लैक पेपर, मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, प्याज कटे हुए, करी पात ऑप्शनल है, लाल मिर्ची 2 से 3। इन सारे चीज़ों को अच्छे से भून लीजिए। मैं बारीक कटा हुआ आलू डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो वरना अवॉइड भी कर सकते हो। मैं इसे अच्छे से हल्के से टॉस कर लूँगी, फिर मैं दही की कढ़ी ऐड करूँगी इसमें। अब मैं इसमें ये दही कढ़ी ऐड कर रही हूँ। मैंने कढ़ी ऐड किया है, अभी मैं इसे 1-20 मिनट के लिए उबाल लूँगी। ये पकौड़ी का बैटर है, पकौड़ी का बैटर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो किस तरह से बनाना है। मैंने थोड़ा सा आटा लेकर पकौड़ी बनाया है, 10 से 12 बन जाएंगे इसमें आराम से। पैन में ऑयल गरम हुआ है, मैं अभी पकौड़े ऐड कर रही हूँ। मैंने पकौड़ी इस तरह से फ्राई कर निकाल लिया है। फाइनली मैं अभी तड़का दे रही हूँ। मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है, उसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ, लाल मिर्ची पाउडर। अभी मैं पंजाबी स्टाइल सर्व कर रही हूँ। ऊपर से पकौड़ी, फाइनली बन गई है मेरी पंजाबी स्टाइल पकोड़ा कढ़ी रेडी।